कम्युनिकेशन से हमें देखना है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप लोग के माइंड में ये कम्युनिकेशन वर्ड से क्या आता है? जैसे अभी आपने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा कि मैम गिव मी योर इंट्रोडक्शन, सो क्या ये यही कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये यस मैम कम्युनिकेशन हुआ, बट इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन ना। टू वे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आंसर नहीं किया। तो जब आप किसी से, एक पर्सन बोल रहा होता है और दूसरा उसका उसको खाली सुन रहा होता है, तो ये क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज ये देखते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है वो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ। तो कम्युनिकेशन वर्ड हमारा डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जो है हमारा कम्युनिस। कम्युनिस, कम्युनिस मीन्स हमारा होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिस इट मीन्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आपने प्रशांत लास्ट क्लास की थी मेरी? नो मैम, नहीं की थी ना? हम ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा देखो, तो अभी आज ये देख लो, फिर उस लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? तो कम्युनिकेशन जो हमारा है वो कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से, जिसका जो उसका मीनिंग क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन मीन्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अब के इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज कम्युनिकेशन, हमारे इसमें बुक में अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है इसमें देखते हैं। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और फीलिंग। नाउ देयर इज अ टू टर्म इन कम्युनिकेशन, फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल एंड सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल। कैन एनीवन, कोई बताएगा? रोशनी या इशिका, दोनों में से कोई बताना चाहेगा कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्या होता है? बताओगे आप लोग इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल? I don't know ma'am. ओके, इशिता, इशिका आप? ma'am I don't know. ओके, प्रशांत? ma'am आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? देखो आप लोग खुद से बात करते हो, मुझे यहाँ yes, जाना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये करना है। So, yes, जब आप खुद से बात करते हो, जब आप अपने अपने आप से बात करते हो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे इतने बजे वहां पहुंचना है, दिस इज इंट्रापर्सनल। व्हेन पर्सन स्पीक हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद से बात कर रहा है या किसी और से ही बात, अपने आप से बात कर रहा है, तो वो क्या है? इंट्रापर्सनल। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और अपने आप से बोल रही हूँ कि यार ये जो पंखा है वो ठीक से नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेले, तो ये हमारा क्या है? इंट्रापर्सनल। बट जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये क्या है? इंटरपर्सनल। क्लियर हुआ सबको? इशिका और रोशनी, आप लोगों को समझ में आया इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्या होता है? यस मैम। हाँ, तो व्हेन जब हम लोग खुद से बात करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल होता है, और जब हम लोग किसी और से बात करते हैं, जैसे मान लो मैं प्रशांत से बात कर रही हूँ, तो ये क्या है? इंटरपर्सनल। सो देखो यहाँ लिखा है, कम्युनिकेशन मे बी इंट्रापर्सनल when we try to communicate with ourselves and it may be intrapersonal, and when we convey a message to other it's called interpersonal. clear ho gaya? intrapersonal aur interpersonal kya hota hai? clear hai sabko? yes ma'am. चलो अब तो मैंने यहाँ पे तीन चीज डिस्कस करी, मैं फिर से एक बार उसको रिपीट करती हूँ कि हम कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन, जैसे आप और मैं अभी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। इन विच द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स आर देयर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? आप बताओ कि कम्युनिस्ट की मीनिंग क्या है? हम कम्युनिस्ट की मीनिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ओके, ठीक है। अच्छा इशिका आप बताओ कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्या होता है?
व्हाट इज इंट्रापर्सनल एंड व्हाट इज इंटरपर्सनल बताओगे? इंट्रापर्सनल मतलब जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं. नहीं, इंट्रापर्सनल देखो इंटर हो गया, इसको इंटर तुम लोग ने वो सुना है इंटरकास्ट मैरिज ऐसे है. चलो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज का. सुना है बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज किया है मतलब अपने कास्ट में उसने शादी नहीं की है. तो इंटर मतलब क्या होता है? अलग. इंटर मीन्स दूसरे से बात करना. तो जब हम खुद से बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरापर्सनल, और जब हम दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल. अब क्लियर है? आप अभी आए हो, आपको क्लियर हुआ? आराध्य आपको क्लियर है? यस मैम. ओके, सो हमने तीन चीज डिस्कस करी कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है कम्युनिस से. कम्युनिस की मीनिंग होती है हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग. इंट्रापर्सनल व्हेन वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल मींस व्हेन वी कन्वे अ मैसेज टू अदर. नाउ व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? इज बिजनेस पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन? कोई भी बता दो. बिजनेस बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल है? नहीं है. सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है. क्योंकि कभी भी किसी पर्सन को बिजनेस करना होता है उसको उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है. कैसे? सपोज करो अगर ये ए है, इसको गुड्स बेचना है, गुड्स को सेल करना है, तो ये विदाउट कम्युनिकेशन अपने गुड को बेच पाएगा? ये अपने आप बोलेगा कि मुझे गुड्स बेचना है, तो क्या गुड्स बिक जाएंगे? नहीं बिक पाएंगे. इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें ये करना होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें कभी भी बिजनेस बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं हो पाता. सो हमें क्या समझ में आया कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस का ही एक पार्ट है. विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेसमैन कैन नॉट डू देयर हिज वर्क, अपना काम वो नहीं कर सकता. नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो बताओ कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. टू वे प्रोसेस है, एक बोल रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है. अच्छा बताओ प्रशांत आप बताओ, मैं अगर कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, तो मैं क्या हुई? कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर और यू कैन ऑल्सो से दैट सेंडर. यस मैम. है ना, सेंडर हुए और आप जो है वो मैसेज रिसीव कर रहे हो. तो इशिका आप बताओ आप क्या हुई अगर आप मैसेज रिसीव कर रहे हो तो? रिसीवर. क्या हुआ? रिसीवर. सो द पर्सन हु सेंड द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर एंड द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर. तो कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस. जहां वन वे प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है. सेकंड है हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस. कम्युनिकेशन चलता रहता है. कम्युनिकेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. थर्ड, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी लेवल. देखो आप लोग को पता होगा कि देर आर थ्री लेवल्स, पता है ना आपको? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. क्या ये बिना कम्युनिकेशन के टॉप मिडिल से और मिडिल लोअर से बिना कम्युनिकेशन के काम उनका हो सकता है? नहीं हो सकता. नो मैम. टॉप लेवल जो है वो मिडिल से कम्युनिकेट करेगा, मिडिल लेवल जो है वो लोअर से कम्युनिकेट करेगा. इसलिए हर एक लेवल पे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर एवरी टाइप एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हम आपस में हमारी क्या होती है कम्युनिकेशन में? अंडरस्टैंडिंग होती है. मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप फिर से पूछ रहे हो, इसलिए क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इन्वॉल्व नॉट ओनली आइडियाज बट ऑल्सो इमोशंस. कम्युनिकेशन में खाली आइडियाज नहीं होते इंक्लूड, कम्युनिकेशन में इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, फिर है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है. अभी जैसे आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आई एम द सेंडर, आई एम कम्युनिकेटर, मैं आपको क्या कर रही हूँ? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. ओके, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. प्लुरालिटी ऑफ पर्सन, जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन हो. जरूरी तो नहीं है कि खाली एक ही पर्सन से कम्युनिकेशन हो, आप दो तीन हो, चार हो, जो भी हो, एक सब कम्युनिकेशन हो रहा है आपस में. तो ये क्या है? प्लुरालिटी ऑफ पर्सन होते हैं इसमें. डायनामिक प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज डायनामिक प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस.
अब ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए. टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, इसेंशियल फॉर एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्व नॉट ओनली आइडियाज बट इमोशंस, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको याद होने चाहिए. नाउ वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इम्पोर्टेंस क्या होती है, चलो ये इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम लोग एक पहले कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस बताओ सबसे पहले कौन आएगा अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है, सबसे पहले कौन आएगा? सेंडर. सेंडर हु इज द सेंडर? सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड द मैसेजेस. सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है या कन्वे करता है. सेंडर हो गया. सेंडर के बाद क्या आया हमारा? सेंडर क्या कर रहा है? एनकोडिंग. पहले क्या आएगा? मैसेज आएगा ना. सेंडर है, सेंडर जो भी अपने उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं ये मैसेज को ये करूंगा, तो ये मैसेज आया. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर, देन मैसेज, देन रिसीवर, मीडिया, मीडियम. इसको ही आप इनकोडिंग भी बोल सकते हो. मैसेज के साथ वो क्या करेगा? सपोज करो कि जैसे आप लोग भी साइन भेजते हो, आप लोग इमोजीज जानते हो, व्हाट्सएप यूज करते होगे सब, तो व्हाट्सएप पे आप लोग इमोजीज भेजते हो ना, भेजते हो कि नहीं भेजते हो? भेजते हो. जैसे मान लो कि कोई अच्छा साइन है तो ऐसे सिंबल लाइक ऐसे भेजोगे, कुछ ऐसा है तो ऐसे, अजीब सा बन रहा है, ऐसे भेजोगे. ये सब जो है स्माइली और सैड ये सब भेजते होंगे. तो जब वो मैसेज के साथ कुछ ऐसे सिंबल्स इंक्लूड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग. देन मीडिया, थ्रू द मीडिया भेजते हो आप, या तो मेल करते हो, या तो व्हाट्सएप करते हो, या तो इंस्टाग्राम पे भेजते हो, या तो आप जो भी मीडियम है उसको हम मीडिया में लाते हैं. देन इनकोडिंग का मतलब मैसेज के साथ जो भी साइंस लैंग्वेज होती है, साइन आप भेज रहे हो उसको बोलते हैं इनकोडिंग. तो मैसेज प्लस मैसेजर इनकोडिंग एक ही चीज हो गई. एक ही में आया ना. हाँ बोला तो मैंने, एक ही में आया ना. जैसे सेंडर है, सेंडर अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है. जो भी सेंडर वो है जो मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज के साथ कुछ इमोजीज जैसे कुछ सिंबल है, कुछ साइन है, वो कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? इनकोडिंग. फिर वो जो मैसेज है वो किसके थ्रू भेज रहा है? थ्रू द मीडिया. मीडिया के थ्रू भेज रहा है. मीडिया में क्या आएगा? आपका मोबाइल फोन. मोबाइल में आपका जैसे मैंने बताया जीमेल है, व्हाट्सएप है, कुछ भी वो आया. देन आपका क्या आएगा? रिसीवर. रिसीवर के पास मैसेज आएगा. रिसीवर जो है, रिसीवर कौन है? जो मैसेज को रिसीव करता है. देन रिसीवर क्या करेगा मैसेज को? डिकोड. डिकोडिंग करेगा मैसेज का. और जब डिकोड कर लेगा तो लास्ट में वो क्या देगा? फीडबैक. तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. सबसे पहले कौन आता है? सेंडर, जो मैसेज भेजता है. देन आता है इनकोडिंग करता है सेंडर, जिसमें मैसेज और सिंबल्स आते हैं. देन आता है मीडिया. मीडिया के थ्रू भेजता है, लाइक मैंने बताया जीमेल, ईमेल, जो भी है, जो भी थ्रू द मीडिएटर भेज रहा है वो हो गया. देन आता है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है. देन आता है डिकोडिंग. जब रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है कि सही लिखा है कि क्या लिखा है, उसको समझ में तो आना चाहिए. उसी को हम कहते हैं डिकोडिंग. जब वो मैसेज को पढ़ता है और उसको समझता है तो उसी को हम बोलते हैं डिकोडिंग. देन अपना क्या देता है? फीडबैक. इतना क्लियर है सबको? रोशनी आपको क्लियर है? यस मैम. सबको आ गया समझ में क्या होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस? तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. अभी हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, मैं तो ऐसे ही आपको बता रही हूँ. अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को. अब जैसे देखो कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरह से होता है. एक होता है ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. ठीक है. अब तुम लोग को पता है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ा है ना. क्या होता है फॉर्मल इनफॉर्मल बताओ. प्रशांत आप बताओ क्या होता है? मैम फॉर्मल जो होता है मतलब बॉस को, एम्प्लॉइज को, किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन में लिखा गया हो. इनफॉर्मल फ्रेंड्स फैमिली को लिखा गया हो. तो इनफॉर्मल वो होता है. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं?
फॉर्मल लेटर्स वो लेटर होते, देखो तुम लोग को किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग फिर से पूछ लिया करो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर जनरली वो लिखा जाता है अपने सुपीरियर, जैसे बॉस हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, इनको फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो फ्रेंड्स ये सबको लिखा जाता है। तो फॉर्मल उसी तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिजनेस में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज और बॉस में फ्रेंडली रिलेशनशिप ना हो, वहां फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और जब जहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप हो वहां पे क्या होता है, इनफॉर्मल। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, देखो सपोज करो ए और बी है, ठीक है, ये ऐसे कंपनी में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, और इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एकदम फॉर्मल है। सपोज करो ए नहीं आता, ए किसी वजह से नहीं आ पा रहा, तो ए के हिस्से का काम बी नहीं करेगा। यानी ये क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इनके बीच में। और यही अगर ए और बी दोनों फ्रेंड है और अगर ए नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं नहीं आ रहा, मेरे जगह तुम चले जाना, तो ये जो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में हुआ कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी जगह पे तुम काम कर लेना, ये क्या हुआ, इनफॉर्मल। तो जहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात आ जाती है वो आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, इनफॉर्मल। और जहाँ पे फॉर्मल, जैसे अगर मान लो हम, मैं और आपको, हम लोग आपस में हंसी मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, खाली बस जो टॉपिक है उससे रिलेशन से हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ कम्युनिकेशन क्या हो गया, फॉर्मल। और यही अगर आप अपने फ्रेंड से बात करोगे तो क्या, कैसे कैसे बात करोगे, कुछ भी बोल दोगे, तो ये क्या है, इनफॉर्मल। तो ये होता है। तो अब हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ देखते हैं, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में फोर आते हैं। एक आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, कोई बताना चाहेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी आप जैसे लोअर से मिडिल लेवल और फिर टॉप लेवल जा रही हूं, आप ऐसे कर दो उसको, इसका साइन आप लोग ऐसे बना दो, ठीक है। बाकी लोग देखो, इसका साइन मैंने ऐसे बना दिया अपवर्ड कम्युनिकेशन का, यानी हमारे पास थ्री लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जब ये होते हैं सुपीरियर्स और ये होते हैं सबॉर्डिनेट्स, तो व्हेन सुपीरियर ट्रांसमिट द मैसेज टू द सबॉर्डिनेट, ट्रांसफर द मैसेज टू द सुपीरियर, जब जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है, कंप्लेन है या कुछ भी है उसको अपने टॉप लेवल पे ट्रांसमिट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि टॉप है, मिडिल है, लोअर है, तो पहले मिडिल जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल से बोलेगा, मिडिल लेवल जो है वो अपर से बोलेगा, ये हमारा क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में बताओ, हम टॉप से मिडिल से लोअर, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, ये देखो ऐसे एरो बना। आप लोग को समझ में आया, आराध्य आपको समझ में आया? यस मैम। क्या है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्या है जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल से, आप लोग देखो मैंने साइन बनाया, आप लोग को इससे समझ में आ जाएगा अपवर्ड क्या है, ये मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, ये अपवर्ड है। डाउनवर्ड क्या है, ये यहाँ से नीचे की तरफ, यानी टॉप लेवल मिडिल को बोल रहा है, मिडिल लेवल लोअर को बोल रहा है, ये डाउनवर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब रोशनी और इशिका दोनों में से कौन बताएगा हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कोई बताएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? मैम सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। मैं तो आ गया, इन लोग से पूछना है ना, आप लोग बताओ दोनों लोग क्या होता है हॉरिजॉन्टल, नहीं बताओगे? देखो मिडिल लेवल जो होता है, मिडिल लेवल में बेसिकली हमारे आते हैं मैनेजर्स, क्या आते हैं, मैनेजर्स, सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स आते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है मान लो, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सब जो मैनेजर है ये जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, मिडिल लेवल में दोनों आते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी जब एक सेम लेवल पे काम करने वाले वर्कर जो मैनेजर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल। में लोअर लेवल पे जैसे कोई प्लांट वन का सुपरिंटेंडेंट है, प्लांट टू का, और ऐसे वो भी इन्वॉल्व हो गया ना हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब
मतलब सेम लेवल के लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो। अच्छा तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा गैंग प्लैंक, पता है गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग में हमारा यही था कि जब कोई भी लेवल के लोग आपस में दूसरे से, सपोज करो टॉप है तो अर्जेंटली लोअर से बात करें। बोलो क्या हुआ रोशनी, कुछ बोल रही थी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही तुम लोगों को? भी नहीं आ रही सबको? आ रही हम, आ रही है मैम। तुम्हारे साइड से रोशनी कुछ आ रही है मैम? का इशू होगा तुम्हारे साइड से। अभी आ रही है तुम्हें रोशनी आवाज मेरी? यस मैम, यस मैम। तो फिर हम लोग बात करते हैं डायगोनल की, ठीक है? डायगोनल या वर्टिकल की बात करते हैं। दो है हमारा, डायगोनल और वर्टिकल। अब जैसे देखो डायगोनल और वर्टिकल क्या होता है, ये कौन बताएगा डायगोनल और वर्टिकल क्या होता है? इशिका बताओगी क्या होता है डायगोनल और वर्टिकल? दोनों सेम ही होता है डायगोनल वर्टिकल, नहीं बताना? हम जब बोलो लोअर लेवल टॉप लेवल से बात करते हैं। हाँ, कोई भी मतलब फिक्स नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, ठीक है? ये इससे कर ले रहा है, ये इससे कर ले रहा है, ये इससे कर ले रहा है, कोई मतलब वो नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। इतना क्लियर हुआ सबको? तो हमने क्या क्या पढ़ा? अब हम मैं लाइंस आप लोग से पूछती हूँ, ठीक है? पहले आराध्य बताए, आराध्य बताओ अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? लो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ये भी बना दे रही हूँ सिंबल। मैम जो बॉटम टू अपवर्ड जाती है, बॉटम टू टॉप, ठीक है? जब सुपीरियर से बात करते हैं तो अपवर्ड होता है। नेक्स्ट इशिका, डाउनवर्ड। मैम जब टॉप लेवल से लोअर लेवल पे बात होती है, ठीक है? चलो प्रशांत, डायगोनल। जो कोई भी किसी से बात कर सकता है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। अब रोशनी, हम एक तरीके से इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही बोल सकते हैं ना? कह सकते हो उसको, लेकिन ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल का ही टाइप है। कह तो सकते हो, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, बट जब अर्जेंसी की बात हो रही है तब ये फॉर्मल के सारे टाइप्स हैं, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये तो कम्युनिकेशन करा रहे थे, जैसे यहाँ पे क्लियर कर दिया ये चीज। अच्छा रोशनी आप बताओ ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है? मैम जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन की जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? तो इतनी चीजें हमने पढ़ी अभी तक, कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन में इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो पहला इंपॉर्टेंस है हमारा ग्रोथ इन साइज एंड मल्टीपल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में को ग्रोथ करने में क्या करती है? हेल्प करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव ग्रोन इन साइज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ओके? सेकंड पॉइंट हमारा है ट्रेड। तुम लोग ट्रेड यूनियन जानते हो क्या होता है? ट्रेड यूनियन पता है क्या होता है? यस मैम। हाँ, जो लीडर्स होते हैं, बोलते हैं ना जो लीडर्स होते हैं, जैसे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, तो जो ट्रेड यूनियन जो होते हैं, बिजनेस एम्प्लॉय यूनियंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बिजनेस में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उसमें यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो यूनियन जो है वो क्या करते हैं? मिलके स्ट्राइक कर देते हैं अगर उनकी डिमांड पूरी ना हो रही हो। तो अगर आप कम्युनिकेशन करते हो उनसे, यूनियन से, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनसे अगर आप कम्युनिकेशन करते हो कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि हाँ मुझे सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो ओनली सॉल्व होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन के जो भी मैटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी कम्युनिकेशन हेल्प करती है, बिकॉज रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड यूनियन ऑफिशियल हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन बिटवीन देम। थर्ड हमारा आता है ह्यूमन रिलेशन। कम्युनिकेशन जो है वो हेल्प करती है ह्यूमन रिलेशन में, कैसे? टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। मैनेजमेंट अगर अपने एम्प्लॉय से उसको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब जैसे आपने देखा है कि चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होती जा रही हैं। अभी आपने देखा कि सारी आप लोग की क्लासेस कितने टाइम से मिस हो रही हैं, डेढ़ साल से आप लोग घर से ही पढ़ रहे हो, आपके 12th के एग्जाम भी नहीं हुए,
है ना, तो चीजें जो है वो चेंज हो रही है, बट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे हमें उसे यूज टू उसे अडॉप्ट करना पड़ता है. तो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सपोज करो पहले पहले जो था सब मैनुअल वर्क था, सारा काम मैनुअल होता था, लेकिन आज क्या है, सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है, सब कंप्यूटर पे होता है. तो जब कोई नई चीज आती है तो वर्कर्स उसके लिए क्या करते हैं, ब्लेसेस करते हैं कि मैं मना करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा ये. लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन करते हो अपने वर्कर्स से, उनसे गुड रिलेशनशिप बनाते हो, अच्छे से उनको सब काम समझाते हो, तो वो क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी से अपडेट हो पाते हैं. इसीलिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी जरूरी है. नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन. सब ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है. तो उनको सोसाइटी में अगर अपनी इमेज बनानी है तो उन्हें क्या करना होगा, सोसाइटी में सबसे अच्छे से बिहेव करना होगा. और वो कैसे होगा, कम्युनिकेशन से. जैसे सपोज करो, आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं, आप लोग कहीं गए, ठीक है, किसी जगह पे गए आप लोग, और वहां पे आपसे सब कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ. अच्छा लगेगा ना कि हाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम. और अगर यही अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा तो आपको लगेगा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उनका बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है. तो इसी तरह जो कम्युनिकेशन हमारा होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है पब्लिक रिलेशन से. अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाए हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरी करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी. नेक्स्ट आता है पर्सनल असेट. पर्सनल असेट क्या होता है, कम्युनिकेशन इज नोन एज पर्सनल असेट. हम पब्लिक रिलेशंस में यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं और उनके लिए ऐसे कुछ 12th में जो ऐसा कुछ बताया था कि पार्क्स की इम्प्रूवमेंट रखनी चाहिए और फ्री फैसिलिटीज भी कुछ देनी चाहिए जिससे कि रिलेशंस अच्छे रहें. ये भी है आपका. और आप जैसे फैसिलिटी अच्छी दो, जैसे आपके पास कस्टमर आ रहा है तो जैसे अब जैसे क्या होते हैं, अगर आप, मैं एग्जांपल लूं अगर साड़ी का, तो अगर आप देखते हो साड़ी की दुकान में तो वो कितना आपको दिखाता है, वो ये बोलता है कि नहीं मैं ये नहीं कर दिखाऊंगा, वो इंसान जो पर्सन है वो दिखाता ही रहता है साड़ी जब तक उसको पसंद ना आ जाए सामने वाले को. क्यों, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है, वो अपने कस्टमर की डिमांड को, उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है. तो ये होता है पब्लिक रिलेशन, कि अपने कस्टमर से आप अच्छा रिलेशनशिप बनाओ. सप्लायर आपको जो गुड सप्लाई कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम आप पेमेंट करो, तो उससे आपका रिलेशन क्या होगा, अच्छा रहेगा. ये ओनली पॉसिबल ये तभी है जब आप कम्युनिकेशन अच्छे से करते हो, ठीक है. और पर्सनल असेट क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल असेट है. बिकॉज मैनेजर जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम स्पीच देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स देखना होता है और इंटरव्यू कराना होता है टाइम टू टाइम. इसलिए कम्युनिकेशन को क्या कहा गया है, पर्सनल असेट. सो दैट जो मैनेजर हैव द गुड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. मैनेजर के पास क्या होनी चाहिए, गुड स्किल होनी चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मीन्स और मोड्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट पहले ये आप लोग अच्छे से देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके. फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज एंड मल्टीपल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियनिज्म, ह्यूमन रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पब्लिक रिलेशन एंड नेक्स्ट हमारा पर्सनल असेट. नाउ वी टॉक अबाउट मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो देखो कम्युनिकेशन जो है उनको टू पार्ट्स में दिखाया है, एक हमारा होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल. आप लोग को नाम से समझ में आ रहा होगा वर्बल क्या है, समझ में आ रहा है ना, जैसे स्पीच हो गया, स्पीच क्या है, वर्बल है. तो वर्बल को भी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, फोर पार्ट में, ओरल, रिटन, विजुअल और ऑडियो विजुअल. क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, देखो वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है, अब आप लोग बोलोगे खाली वर्बल है, लेकिन वर्बल में हमारा रिटन और ओरल दोनों आता है. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल की बात करें अगर, वर्बल, ठीक है, तो वर्बल में हम, मैं दोनों आएगा. जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ, ओरल रिटन, ठीक है. तो वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स वी यूज टू कन्वे मैसेज आइदर इन द स्पीच और थ्रू द राइटिंग. या तो हम अपने मैसेज को रिटन में कन्वे करें या तो स्पीच में, ये हमारा क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल के पार्ट है ओरल. अब बताओ मैंने अगर बोल दिया इस टाइम में कि ये काम करना है और आप मान भी गए, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या प्रूफ है, आपके पास कोई प्रूफ रहेगा. जैसे मैं ओरली अगर आपको कोई बोल दूं कि ये आपको काम करना है, और कल की डेट में मैं नाम भी तो कह सकती हूँ कि मैंने नहीं बोला है,
बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैंने नहीं बोला था ये, इसलिए जो ओरल है वो हमारा रिटन रिटन जो है वो ज्यादा सही होता है ओरल की जगह पे। ओरल जो होता है ओरल से ज्यादा हमारा रिटन होता है सही, वो भी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में। अब हम लोग नॉन वर्बल देखते हैं, तो नॉन वर्बल क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो ऐसे मुंह बना दिया गुस्से में एकदम, या उसको जैसे बोलते हैं बच्चों को कि मारेंगे, ऐसे साइन दिखाते हैं ना कि मैं मारूंगी तुम्हें, जो फेशियल एक्सप्रेशन से हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी हम बात करते हैं। हमारे बॉडी लैंग्वेज से हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका बोलने का तरीका, आप जब गुस्सा होते हो तो अपना फेस देखो, जब हंसते हो तो फेस देखो, तो मतलब क्या होता है हमारे जेस्चर पोस्चर जिसमें आते हैं वो हमारा क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज आर कम्युनिकेटेड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। जब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमारे मैसेज कन्वे होते हैं जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर आता है, वो हमारा क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इतना क्लियर है आप लोग को सबको? तो वर्बल क्या होता है, रोशनी इशिका दोनों को क्लियर है? यस मैम। वर्बल में क्या होता है, वर्ड यूज करते हैं, नॉन वर्बल में हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। आराध्य आपको आ रहा है ना समझ में? यस मैम। अब देखो ओरल और रिटन, अब हम लोग बात करते हैं ओरल की, तो ओरल क्या है बताओ, जैसे आप लोग वाइवा सुनते हो ना कि वाइवा होता है, तो वाइवा इज अ ओरल कम्युनिकेशन, वहां पे आप वर्ड्स को क्या कर रहे हो ओरली बता रहे हो, वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब क्या है आपका ओरल में आ गया। आपको कोई नोटिस देनी है क्लास में तो वो ओरली आप बता रहे हैं जाके। रिटन में क्या होता है, रिटन में ये होता है कि जब आप कोई भी मैसेज को कन्वे करते हो थ्रू द रिटन फॉर्म, जैसे अगर कोई कहीं पर्सन है वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको एक ऑफर लेटर मिलता है काम करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया रिटन कम्युनिकेशन, जब आप लिख के बताते हो। थर्ड होता है विजुअल, जैसे आप स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हो लिख के बता रहे हो, तो ये आपका क्या है विजुअल कम्युनिकेशन। और ऑडियो विजुअल क्या होता है, जब आप बोल भी रहे हो प्लस आप जैसे ये मैंने देखो आप मैं क्या है मैं बोल भी रही हूँ और ये आपको पिक भी दिख रही है, जो पिक्चर आपके आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सो दिस इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। क्लियर है इतना आप लोग को, रिटन ओरल विजुअल और ऑडियो विजुअल। अब हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल के क्या क्या पार्ट है जल्दी से देखो। नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, मूवमेंट, आई कांटेक्ट, जैसे आई कांटेक्ट, जैसे मैं आप लोग को नहीं देख पा रही हूँ लेकिन आप सब मुझे देख पा रहे हो, तो ये क्या है हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आई कांटेक्ट कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे। आई कांटेक्ट से बता रहे हैं, नॉडिंग द हेड, जैसे ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना सर, ना नो बोलना होता तो ऐसे ऐसे करते हैं, यस बोलना होता तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये क्या है हमारा सब नॉन वर्बल है या फिजिकल अपियरेंस, दिस इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो याद कर लो आप लोग, वर्बल में क्या आता है रिटन ओरल विजुअल ऑडियो विजुअल, नॉन वर्बल में क्या आता है फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, मूवमेंट, आई कॉन्टेक्ट, नॉडिंग द हेड एंड फिजिकल अपियरेंस। अब देखो हम लोग बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा सबसे पहले यहाँ पे आता है रिटन। देखो रिटन कम्युनिकेशन, ओरल की तो बात ही नहीं किया, रिटन रिटन देखते हैं। अब रिटन क्या है, देखो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, इन द रिटन फॉर्म इट मे रिक्वायर द ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर, लाइक सर्कुलर्स हो गया, ठीक है, रिपोर्ट हो गई, आप लोग रिपोर्ट जैसे कोई टेस्ट कराते तो रिपोर्ट आपकी हो गई, सर्कुलर हो गया, मिनट्स हो गया, ये सब क्या होता है। मिनट्स पता आप लोग को क्या होता है, व्हाट इज मिनट्स, कोई बताएगा? प्रशांत, इशिका, आराध्य, रोशनी, चारों में से कोई बताना चाहेगा कि क्या होता है मिनट्स? नहीं पता। नहीं पता। देखो जब मीटिंग होती है ना तो कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि लेक्चर तो बहुत दिया लेकिन उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी एक कॉपी में उसको लिखना, ये काम बेसिकली सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी, उसका काम होता है मीटिंग्स के मिनट्स बनाना। इट मींस एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग इज रिकॉर्डेड इन अ फाइल, इट्स कॉल्ड मिनट। जब भी कोई एसेंशियल टॉपिक मीटिंग है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक पेज पे रिकॉर्ड करते हैं, एक फाइल पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है मिनट। तो दिस आर द थिंग्स इज अ रिटन फॉर्म, इट्स कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन का देखो एडवांटेज क्या है, रिटन का ये एडवांटेज है कि इट अलाउज अस सफिशिएंट टाइम फॉर द प्लानिंग द डॉक्यूमेंट वी पर्पस टू क्रिएट। सेकेंड हमारा डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो बहुत टाइम लगता है कि नहीं मैसेज को कंपोज करने में। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि ये काम करना है तो वो ज्यादा इजी होगा कि मैं सबको मेल करूँ तो ज्यादा इजी होगा, बताओ क्या इजी होगा ज्यादा,
मेल करना या बोलना? बोलना बोलना, ठीक है। तो इसलिए जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्या लेता है, इट मे मोर टाइम टू कंपोज अ मैसेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर एडवांटेज की, तो इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू रिवाइज द कंटेंट इफ वी फाइंड देम अनसुटेबल फॉर द रिसिपिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लैरिटी और इंटरेस्ट। का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ अनसुटेबल लग रहा है उसे, मेरे मतलब जो रिसिपिएंट है, रिसीवर है, तो हम अपने मैसेज को फिर से करेक्ट करके उसको भेज सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो जो ज्यादा ये आपके क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, एक बार पढ़ लो उसको, क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। अब जैसे देखो रिटर्न में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, अगर मैं फोन करूं तुरंत तो आप तुरंत इमीडिएट उसका आंसर करोगे, बट अगर मैं रिटर्न फॉर्म में भेज दूं तो आप उसका आंसर ठीक से नहीं कर पाओगे। आपको आप हो सकता है उसको देर में देखो जो मैंने लिख के भेजा है, हो सकता है आपने मेल नहीं चेक किया हो, तो आपके जो फीडबैक्स आते हैं उसमें डिले हो जाता है। लेकिन अगर मैं वर्बल में अगर मैं ओरली आपको कम्युनिकेट करूँ तो उसमें देर नहीं होगी, उसमें मुझे फीडबैक तुरंत मिलेगा। तो इसके एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फीडबैक में डिले होता है और कम्युनिकेशन जो राइटिंग है सफर्स लैक ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कई बार इसमें बहुत दिक्कत भी हो जाती है, हो सकता है कि कई बार इनकन्वीनियंस नहीं होता ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ, चलो ये करने से पहले आज ये थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ ली, आज थोड़ा सा हम लोग टेंस को देखते हैं, ठीक है, फिर ये सब हम लोग देखेंगे। पहले इतना जितना बताया मैं एक बार रिवीजन लेती हूँ फटाफट, आप लोग बताओ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जल्दी आंसर करो। कम्युनिस, कम्युनिस, एंड विच मीन्स आराध्य बताएगा, आराध्य बताओ क्या मीनिंग होता है कम्युनिस का। कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये आराध्य हो तुम। चलो आराध्य क्या होता है, अब तो बता रहे हैं तुम रोशनी ने, चलो अच्छा अब ये बताओ आराध्य से दूसरा क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज इंट्रापर्सनल एंड व्हाट इज इंटरपर्सनल, बताओ बताओ आराध्य जल्दी बताओ। ये मैंने दो बार रिपीट किया है, नहीं आ रहा आराध्य आंसर तो करो। चलो कोई नहीं, अब इशिका आप बताओ इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल। मैम इंटरपर्सनल जब हम दूसरों से बात करते हैं, तो इंट्रापर्सनल की इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। चलो चलो ठीक है, तुम लोग को बहुत आ गया है। अच्छा अब ये प्रशांत से भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, प्रशांत ये बताओ कि रिटन नहीं, हाँ नॉन वर्बल के कुछ एग्जांपल्स दो मुझे, चार पांच एग्जांपल्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। फेशियल एक्सप्रेशन, नोडिंग, फिजिकल एक्सपीरियंस, अपीयरेंसेस, आई कांटेक्ट, मूवमेंट, जेस्चर्स, पोस्चर। चलो अच्छा अब तुम लोग बताओ, तुम लोग आराध्य आंसर नहीं करा, आराध्य मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें, कोई दिक्कत है तुम्हें, आवाज आवाज की प्रॉब्लम है? मैं मार रही है, मैं कहीं गया हुआ था अभी। अच्छा देखो टेंस किसको किसको आता है बताओ, टेंस आप लोग को कौन 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 लोग ऐसे हैं जिनको टेंस की परफेक्ट नॉलेज है यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स में। प्रशांत आता है टेंस एकदम अच्छे से? मैम आता है पर थोड़ी सी है प्रॉब्लम, है ना प्रॉब्लम। रोशनी आपको? मैम अच्छे से नहीं आता बिल्कुल नहीं आता। इशिका? मैम मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। क्योंकि पता है बेसिकली अगर हम देखते हैं ना तो इंग्लिश में हमारे यहाँ जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उसमें जनरली टेंस का यूज नहीं होता, हम लोग जो बोलते हैं वो अलग अलग ही कुछ इंग्लिश बोलते हैं, है ना, उसमें हमारा इसका यूज नहीं होता टेंस का जो हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए बेसिकली इन लोग को आता नहीं है। बट आप लोग को आपके सिलेबस में एक्टिव पैसिव आपको पढ़ना है तो आपको टेंस का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले आज हम लोग प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखो हर टेंस का फोर पार्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हर एक टेंस का फोर पार्ट होता है। आराध्य आ गए ना तुम, आवाज आ रही है ना, टेंस आता है? यस मैम टेंस आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता, ज्यादातर तो आता नहीं, थोड़ा बहुत नहीं आता। देखो प्रेजेंट टेंस में हमारा फोर हमें पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट,
फिर हमें पढ़ना है इसमें, एक सेकेंड, एक मिनट, क्या हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट। पहले सिंपल प्रेजेंट देखते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हमारा लगा, इसमें जो सेंटेंस होता है जनरली इसमें एस और ई एस का यूज होता है। किसका यूज होता है? एस और ई एस का। कैसे? देखो सपोज करो ही, बताओ मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या मैंने सही लिखा? कोई भी बता सकता है, बताओ आप में रोशनी, इशिका या प्रशांत, आराध्या, चारों में आएगा प्लेज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लेज आएगा। क्या ऐसा है, एस आएगा या ई एस आएगा? एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है हमारा, उसमें हम बेसिकली आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ हम एस और ई एस का यूज नहीं करते। हम एस और ई एस का यूज कहाँ करते हैं? एस और ई एस का यूज हम लोग करते हैं वी, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है, आप लोग बताना। आई, चलो इशिका बताओ मैंने सही लिखा, आई प्लेज? नो मैम। क्या होगा? मैम आई प्ले। क्योंकि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ हम जो है वो एस और ई एस का यूज नहीं करते। ओके क्लियर है इतना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस की। अगर निगेटिव की बात करें, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में निगेटिव जो हमारा लगता है वो लगता है डू नॉट, ये डू नॉट है, ओके, और डज नॉट, डोंट, डजंट, ये लगता है डू नॉट और डज नॉट। अब बताओ वही वही चीज है, वही फिलोसफी है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम इसका यूज करते हैं डोंट का और प्लूरल के साथ भी। ये लिख लो आप लोग, आप लोग को काम देगा ये। और डज नॉट का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? वही शी, ही, इट एंड सिंगुलर। चलो अब बताओ सेंटेंस क्या गलती है यहाँ पे, बताना। ही, पहले मैं लिख लूं फिर आप लोग सबसे पूछूंगी, आप लोग आंसर मत करने लगना प्लीज, आंसर मत देना। ये डू नॉट है, ठीक है, मैंने यहां लिखा नहीं है, डू नॉट लिख देती हूँ। सेकंड राइटिंग ऑन द मैम, डोंट के साथ, डोंट को शी, ही, इट सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डोंट को हम लोग यूज करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। यहाँ लिखा ना मैंने, ये देखो फिर से लिख देती हूँ। डोंट का यूज, डू नॉट का यूज कहाँ होगा? डू नॉट का यूज होगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। क्लियर है? और डज नॉट का यूज कहाँ होगा? डज नॉट का यूज होगा शी के साथ। यहाँ लिख देते हैं फिर से, डज नॉट किसके साथ होगा? ही, शी, इट, सिंगलर प्लूरल जानते हो ना तुम लोग? किसी को डाउट सिंगलर और प्लूरल में? इशिका, रोशनी, कोई डाउट सिंगलर प्लूरल? नो मैम। तो बताओ यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर आप मुझसे पूछती हूँ, ठीक है, फिर बताना आप लोग। मैम शी डजंट प्ले पूछा मैंने, देखो मैंने लिखने से पहले ही बोला था ना कि मुझे आंसर मत करना, पहले लिख लेने दो फिर आंसर करना। अब ये लिखा है तुम्हें समझ जाना है यहाँ पे सब जगह क्या लगाना है, अब बार बार नहीं लिखूंगी मैं। चलो वॉइस, चलो प्रशांत फर्स्ट, तो उसने बता दिया, पता नहीं किसने बताया, आराध्य ने बताया कि प्रशांत ने बताया, देखा आराध्य ने, आराध्य ने, चलो तो अब उसने बता दिया। अब आप सेकंड वाला बताओ, आई डैश रीड,
क्या होगा? डोंट. ओके रोशनी, दे डैश कॉल, क्या होगा? दे डैश कॉल. डू नॉट और डज नॉट, आई थिंक उसे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा उसे. इशिका आप बताओ, दे डैश कॉल. वो मिस इंडिया होगी. डोंट, क्या मतलब लग रहा है, क्या होगा? इशिका क्या बोला आपने? मैम डोंट. अब आराध्य बता दो लास्ट वाला, बॉयज डैश सिंग. अब देखो पूछा है तो बता नहीं रहे हो. आराध्य फोर्थ वाले का आंसर करो. मैम एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट मैम. बॉय डजंट सिंग. वेरी गुड बॉस. अच्छा बताओ इसने सही आंसर किया है? सब बताओ सही आंसर कर रहा है. डोंट होगा, डोंट आएगा. आंसर सही किया है इसने? नहीं किया ना आंसर सही. ठीक है चलो मैम, जो फर्स्ट वाला है उसमें ही प्लेज आएगा ना? प्लेज नहीं है, अरे ब्रैकेट में लिखा है ना मैंने. मैम ब्रैकेट में तो डजंट आएगा, पर वैसे तो प्लेज आना चाहिए ना ही के साथ. हां प्लेज होगा. अच्छा ये वाला बताओ, कोई नेका दी हो जाती है गलती. अच्छा ये फिफ्थ वाला बताओ फिर से, बॉय डैश सिंग, क्या होगा बताओ? डोंट. डोंट ना, वेरी गुड. कोई सही बताएगा क्या बता रहा है ये? बॉय के बॉय के साथ इसने डोंट लगाया है. आप लोग इसलिए मैंने बोला कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है बता दो मुझे, आता है कि नहीं आता है, व्हाट इज सिंगुलर व्हाट इज प्लूरल. चलो एक 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 चीज और पूछती एक बार फिर से. शी ध्यान से पढ़ा करो क्या लिखा था, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, बस आंसर फट से देना है. फर्स्ट आना है फर्स्ट, तो आंसर देने के लिए पहले हमेशा ये चीज रखो कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पहले पढ़ो उसको कि क्या पूछा क्या जा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है. अभी आंसर मत करने लगना, जो आंसर करेगा उससे फाइन चार्ज होगा. चलो अब पहले आंसर देगा आराध्य, क्योंकि इसने सब सही बताया है इसलिए आंसर भी यही करेगा. फर्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा? शी डैश प्ले. आंसर नहीं आ रहा. शी डैश डजंट. वेरी गुड. डू डू क्यों आएगा? कौन बोला डू आएगा? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला मैम. मैंने डजंट बोला है. किसने बोला है अभी? मुझे क्या पता मैम. नहीं नहीं मैं तो लड़कों की आवाज है. मैं बाकियों से पूछ रही हूँ कि किसने बोला. रोशनी आपने बोला क्या? रोशनी या इशिका किसी ने बोला? चलो ठीक है प्रशांत बताओ. ही डैश सिंग. डजंट. ओके इशिका, गर्ल्स डैश लाफ. मैम डोंट. नहीं डू नॉट. रोशनी रोशनी है. चलो ठीक है इतना क्लियर हुआ ना. अब हमें बेसिकली पहले टेंस की नॉलेज होनी जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे कुछ प्रोसीड कर पाएंगे ना. जब हमें टेंस की नॉलेज ही नहीं है कि जब यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि एरर बताओ, ये आपको काम आ सकता है. आपसे पूछ ले कि बताओ एक सेंटेंस मैंने लिखा उसमें आप एरर बताओ कि इसमें क्या एरर है. मान लो यहाँ पे लिख देता डू नॉट और आपको ये पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या लगेगा, तो आप आपका वो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर पाओगे. बेसिकली हम लोग को एक्टिव पैसिव स्टार्ट करना है, बट मैं ये टेंस आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब एक्टिव पैसिव करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए. तो इतना सबको क्लियर है? तो हमने सिंपल में क्या देखा? हमने सिंपल में ये देखा कि एस और ईएस जो है हमारा वो सिंपल सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हमारा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ लगता है. ओके देन हमने देखा कि हमारा एस और ई एस
नहीं लगता किसके साथ? आई के साथ नहीं लगता, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इनके साथ नहीं लगता है ओके। और प्लूरल ये याद रखना, जब एक से ज्यादा प्लूरल में, जैसे बॉय है तो बॉय इज अ सिंगुलर एंड बॉयज हो गया तो प्लूरल, इसके साथ हमारा ये नहीं लगता। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग अगर दूसरे टेंस की बात करें, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया फोर होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसी को पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, क्या यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? मैम आईएनजी, इज एम आर, आईएनजी तो सही होगा, इज एम आर, ठीक है मैम। जो पिछले वाले में करा था सिंपल प्रेजेंट, उसमें नेगेटिव वाला क्या लिया था हमने, नेगेटिव का क्या रोल था? डज नॉट लिया था, डू नॉट डज नॉट, अभी जो पिछला किया हमने उसमें हमने नेगेटिव में लिया था डू नॉट और डज नॉट, ऐसे हम इसमें भी आएगा, ऐसे इसमें नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट नेगेटिव में, नेगेटिव में बता तो रही हूँ मैं अभी, तो अभी तो तुम लोग को सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं ना, सिंपल सेंटेंस में इज एम आर आता है। अब नेगेटिव की हम लोग बात करें तो नेगेटिव में आता है इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, क्लियर हुआ, ये आता है ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब बताओ इज एम आर का यूज बता देते हैं तुम लोग को, किसके किसके साथ होता है? इज का यूज होता है आपका ही, she, it, singular, m का only i के साथ और r का they, you, we and plural। ये active person करने के पहले ये करना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग प्लूरल में लगाओगे इज और आर नहीं लगाओगे ठीक है, इसलिए करना जरूरी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारा वो क्या होता है, उसमें उसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर प्लस उसमें आईएनजी लगती है, और उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट होता है, और हमारा इसका जो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब इज, ही, शी, इट के साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, एम की बात करूं तो आई के साथ, आर की बात करूं तो यू, दे, वी के साथ। इसी तरह हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी इज नॉट, ही, शी, इट के साथ लगता है, एम जो है वो हमारा लगता है आई के साथ, आई एम नॉट, एंड आर नॉट जो है वो हमारा लगता है दे, यू, वी के साथ। अब जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है आपको कि सबसे पहला क्वेश्चन आराध्य से मेरा, बॉयज, आंसर करो बॉयज, सिंपल सेंटेंस है बॉयज डैश क्राइम, क्या होगा यहाँ पे आराध्य? बॉयज आर क्राइंग, वेरी गुड, ये सही वाला वेरी गुड था ठीक है, इसको नेगेटिव में मत लेना मैम, वो पहले ठीक था क्या फिर वो क्या जो पहले बताया था उससे, जो उससे पहले बताया था पहले वाला वो भी सही बताया था, लेकिन उससे पहले वाला डज बताया था तुमने वो गलत था, ठीक है मैम ये डज नहीं लगता, उसका रूल लिख लो तो कभी गलती नहीं होगी, ये सब जो लिखा है आप आपके लिए स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आपके ऊपर है मैम, एक बारी क्लास के लास्ट में स्क्रीन दिखा देना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ओके। तो जब मैं दिखाती हूँ तभी बोल दिया करो, तब ले लिया करो, अभी ले लो, जैसे ये अभी लिखा है ये ले लो, फिर मैं लास्ट में ले लेती हूँ एक और ले लेना, ये ले लो पहले। बताओ यहाँ पे क्या होगा, प्रशांत, आई डैश राइटिंग, एम, एम ठीक है, फिर बताओ इशिका, रोशनी को पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, रोशनी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, इशिका बताओ, शी डैश सिंगिंग, मैम शी इज, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, इतना क्लियर है ठीक, इतना अच्छे से आ गया आप लोग को। अब देखो अगर हम लोग बात करें इसके बाद एक, अगर ये बात करें एक थर्ड है, खत्म कर देते हैं इसको फटाक से, फिर क्लास ओवर करते हैं, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है बेसिकली उसमें ये होता है कि हमारा हैज और हैव लगता है, क्या लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानते हो ना वर्ब की,
जैसे बताओ अनाज ने बताओ गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी गो गोन गोन ठीक है ठीक है प्रशांत आप बताओ राइट की क्या होगी रिटन हाँ तो ऐसे ठीक है अब ये भी बता दो हैज किसके साथ लगता है हैज और हैव किसके साथ लगता है वही सीन है इज एम वाला शी के साथ ही के साथ सिंगुलर के साथ और हमारा हैव किसके साथ लगता है इट के साथ भी लगता है ठीक है आई यू वी और दे इसके साथ हमारा क्या लगता है हैव सेम वे हैज नॉट किसके साथ लगता है और प्लूरल सॉरी प्लूरल लिखना भूल गए प्लूरल मैम फिर एवरीवन के साथ क्या लगाएंगे हैज हैज बताओ यहाँ पे क्या होगा Has जो है वो क्या है यहाँ लिखा है she, he, singular और it इसके साथ क्या लगेगा has और have किसके साथ लगेगा I, you, we, they और plural इतना clear है सबको any question कुछ पूछना है किसी को बताओ communicate जो no, present continuous में था उसके negative के examples बता दो अच्छा negative के example okay देखो जैसे यहाँ लिखा है it's just a second he dash coming है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा he is not coming clear है yes ma'am जैसे you are not watching ये सब इसलिए बता रहे हैं ना तुम लोग को क्योंकि जब ये जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव आपने तो उसमें ये सबका बहुत यूज आता है क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करो यहाँ लिखा है यू कॉल मी तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट इन एक्टिव पैसिव तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है सब्जेक्ट में इसके साथ क्या यूज करोगे तब आप सेंटेंस कैसे बनाओगे इसीलिए आप लोग को टेंस की नॉलेज होना जरूरी है तो आज हमने प्रेजेंट में हमने तीन किया सिंपल कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट ओके तो अब आप लोगों को कुछ पूछना हो अगर तो आप पूछ सकते हो पूछना है किसी को मैम प्रेजेंट परफेक्ट के भी एग्जांपल दे दो मैम एक आई एम नॉट का एग्जांपल दे दो एग्जांपल इशिका क्या बोला सुनाई नहीं दिया मुझे फिर से बोलो एक बार मैम आई एम नॉट का आई एम नॉट का अरे आई एम नॉट तो कम इजी है आई एम नॉट कमिंग I am not coming. Okay, ma'am. Ma'am, present continuous पर लेके example दे दो. Present perfect पर लेके. हाँ, present perfect अगर दे देती हूँ मैं. देखो, जैसे लिखा है मैंने I have done. बोलते हो ना तुम लोग I have done my work. ठीक है? She has called me. ये सब क्या है examples. Clear हो गया? अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें हम नेगेटिव के भी दे दो अब नेक्स्ट क्लास में देती हूँ टाइम ओवर हो गया है ठीक है नेक्स्ट क्लास में सारा ओके थैंक यू क्लास थैंक यू